गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर नंबर ट्वेल्व द स्टोरी ऑफ सेंटर रेशा सेंटर रेशा की कहानी इस चैप्टर नंबर ट्वेल्व में हम रीड करेंगे अ मिनट ऑफ थिंकिंग इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट द वर्ल्ड वॉट वुड इट बी यदि आप दुनिया के बारे में एक बात बदल सकते हैं तो वो क्या होगी एंड नंबर टू डिड यू हैव अ चांस टू बी काइंड टू एनी वन क्या आपके पास किसी पर दया करने का कभी मौका आया या मिला आपको बिफोर यू रीड मदर टेरेसा अब हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे मदर टेरेसा नन हु बिकम बिकेम अ सेंट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम मदर टेरेसा बिकेम फेमस एज द कैथोलिक नन हु डेडिकेटेड हर लाइफ इन केयरिंग फॉर द डेस्टिट्यूट एंड डाइंग इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता नाउ नोन एज कलकत्ता मदर टेरेसा जो कि एक नन थी बाद में वो संत बन गई उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कैथोलिक नन के रूप में वो प्रसिद्ध हुई और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है बच्चों बेसहारा लोगों की देखभाल करने और गरीबों की मदद में बिताया

फाइंड आउट मोर अबाउट दिस inspirational लेडी चलिए हम बहुत और भी बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में ये हमारे लिए एक प्रेरणा है और मदर uh, टेरेशा के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मीनल वॉज सीटिंग इन द पर्च ऑफ अर हाउस मीनल जो कि एक लड़की का नाम है वो अपने घर के बरामदे में बैठी हुई है सी वॉज वेरी सैड वो बहुत दुखी है हर मदर ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हर एंड आस्क्ड उसकी माँ उसके लिए एक ग्लास मिल्क का लेके आती हैं और उससे पूछती हैं वाई आर यू लुकिंग सो सैड तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो उनकी माँ ने पूछा आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस स्टार्डे मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ यू डोंट शेयर योर डिट्स रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स तुम जो है आ, अपने दोस्तों के साथ अपने डिडबिट्स को क्यों नहीं शेयर कर रही हो मेनल आंसर इन अ वेरी सैड टोन मेनल ने बहुत ही दुखी शब्दों में कहा लहजे में कहा मॉम स्टडे बी हैड वन न्यू कॉमर इन द क्लासरूम माँ कल हमारे कर, जो है क्लासरूम में एक नया कॉमरेड हुआ यू विल बी सरप्राइज टू नो ही हैज़ नो फादर नो मदर तो आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उनके ना तो कोई मम्मी थे और ना ही कोई पापा आई फेल टू अंडरस्टैंड हु टेक केयर ऑफ़ हिम तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनकी जो है देखभाल कौन कर रहा होगा हु टीच हिम वेन ही गोज़ बैक टू होम जब वह वा घर वापस आएंगी तो उन्हें कौन सिखाएगा हु विल बी टीच हिज हु विल गिव हिम फूड टू ईट कौन उन्हें खाने के लिए देगा सेड मीनल मीनल ने कहा अंजू मीनल्स मदर अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ मीनल सैडनेस एंड आंसर्ड अंजू जो कि मीनल की माँ है वो समझ गई मीनल के दुख के कारण को नो वर्ज ही मस्ट बी अंडर टेकन केयर बाई नंस तब उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल जो है नंस करती हैं नन्स हु आर दे मिनल आस्क मिनल ने पूछा ये नन्स क्या होती है या मतलब ये नन्स कौन है नन्स आर मीन टू टेक केयर ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रेन नन्न तो उनकी माँ ने बताया कि जो नन्स होती हैं वो अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए होती हैं देयर मेन पर्पस इज़ टू हेल्प द पुअर ऑरफन चिल्ड्रन उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो अनाथ बच्चों की देखभाल करना है यू विल फील प्लेजर टू नो अबाउट द ग्रेट सेंट नन ऑफ दिस वर्ल्ड क्या तुम जानना चाहोगी कि आ, आ, जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया की सबसे महान जो संत थी वो भी एक नन थी हर नेम इज़ मदर टा उनका नाम मदर टरेशा था बच्चों आज हमने मदर टरेशा के बारे में जो स्टोरी है उसको उसका एक पैराग्राफ रीड किया आप इसको बार बार पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को जो मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनिए और इसकी मीनिंग को समझिए थैंक यू क्लास